हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी स्पोर्ट 11। और फ्रेंड्स, से हम बात करने वाले हैं सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में जो मैच खेला जाएगा, यहां से हलार हीरोज और जलावाद रॉयल्स के बीच में। तो फ्रेंड्स देखिए, दोनों टीमों ने दो दो मैचेस खेले हैं। क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का, क्या किसका बैटिंग ऑर्डर है, किस फॉर्म में कौन सा प्लेयर चल रहा है, रिसेंट फॉर्म की बात करें, तो सारी जानकारी फ्रेंड्स आपको देने वाले इस वीडियो में। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के प्लेयर भी आपके यहाँ से बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पर आगे आने वाले जो वीडियोस रहेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे नोटिफिकेशन में। तो चलो फ्रेंड, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का। देखिए, एक चीज का ध्यान में रखना है, ऐसे मैचेस में यहाँ पे काफी चेंजेस हो जाते हैं, जिस पे अगर परफॉर्मेंस नहीं रहता उसको तुरंत ही बाहर कर दीजिए। जैसे फ्रेंड, यहाँ से पहले मैच में दोनों प्लेयर ने ओपनिंग किया था। इसके अलावा देखिए, शेल्डन जैक्सन को यहाँ से वन डाउन, यहाँ से जो खेलने के लिए आए थे, चार पांच नंबर पर इनको देखिए पहले वन ओपनिंग लाया गया था पहले सेकंड मैच में, और देखिए यहाँ से डोइया को नहीं खिलाया गया था। इस चीज को आपने ध्यान में रखना फ्रेंड्स। यहाँ पे छेदे सर पुजारा है, दोनों बहुत शानदार प्लेयर फ्रेंड्स। यहाँ पे जैक्सन ने 58 रन लगाया, पुजारा हालांकि दो मैच से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है कैप्टन, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगी ग्रैंड लीग में, आपने इस चीज का ध्यान में रखना है। बाकी देखिए, समर्थ व्यास है, ये फ्रेंड्स यहाँ परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं दे पा रहा, आप देख सकते हो, फिर भी एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, इनको आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वीडियो में छोटा सा ही बनाने वाला हूँ, जल्दी यहाँ से देख लीजिए समर्थ व्यास का परफॉर्मेंस देख लीजिए, यहाँ से प्रेरक मनकत का परफॉर्मेंस यहाँ से देख सकते हैं, बैटिंग क्लास बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस दिया, ऐसे प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हैं छोटी लीग में। इसके अलावा ज्योत छाया को आप देख सकते, ज्योत छाया का परफॉर्मेंस यहाँ से दोनों मैचेस में इनको विकेट्स वगैरह नहीं मिले, बैटिंग आती लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दे पा रहा, 22 रन पहले मैच बनाए थे। यहाँ से बात करें, तरंग को सेकंड मैच में खेला गया था, 13 रन का स्कोर इन्होंने किया है, और जय चौहान ने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों मैचेस में इनको भी विकेट्स यहाँ से नहीं मिले। इसके अलावा देखिए बात करें तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे कितने नीचे खेलने के लिए आए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे हरनीश इनको सेकंड मैच में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ से तीन नंबर पर खेलने के लिए लाया गया था, और फ्रेंड्स इन्होंने 15 रन का स्कोर किया था। तो ये प्लेयर आपके लिए कुछ ग्रैंड लीग में अलग से चॉइस रहेंगे, इस चीज को आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से देवांग की, तो देवांग आप दोनों बच्चों से परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ सुनील यादव ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया बॉलिंग से, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ से देवांग, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किशन का परफॉर्मेंस, तो एक एक विकेट उन्होंने सेकंड मैच में निकाला। तो ये 11 प्लेयर रहे थे, यहाँ पे ज्यादा चेंजेस हुए नहीं, यहाँ पे जो चेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं किसको खिलाया गया, एक ही प्लेयर पर चेंजेस हुआ था, आपने इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस हिसाब से फ्रेंड्स आप टीम बनाने में आपकी हेल्प हो जाएगी, तो प्लेयर आप देख लेना बैटिंग प्लस बॉलिंग हिसाब से, आप ये आपके लिए जो कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल भी हो सकता है छोटे लीग में। बाकी आप शेल्डन जैक्सन पुजारा इनको आप ट्राई कर ले रहे हैं, दो प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से ग्रैंड लीग में खेलोगे तो इन दो प्लेयर पर विशेष ध्यान देना आपने, क्योंकि इनको बहुत कम लोगों ने लिया होगा, ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। बाकी आप छोटे लीग खेल तो इनको आपने ट्राई करना है, और इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को यहाँ पर ट्राई कर लेना, तो ये आपकी टीम का कॉम्बिनेशन भी हो जाएंगे। आप फिर से यहाँ से देखिए बात करते हैं हलार हीरोज की, तो इनकी तरफ से देखिए यहाँ से हार्विक देसाई ने फिर दोनों मैचेस ओपनिंग किया है, यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाया। इसके अलावा देखिए अजय जाद ने दोनों मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस दिया, सेकंड मैच पार्ट टाइम बॉलर भी कराई थी, ये प्लेयर बहुत शानदार हो सकता है आपके लिए, इसको आपने ट्राई करना। इसके अलावा देखिए यहाँ से आरपी का ऑप्शन है, इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया दोनों मैच से, पहले मैच तीन विकेट निकाले थे फ्रेंड्स यहाँ से वसा वाडा ने, तो सेकंड मैच में विकेट इनको नहीं मिले, ये प्लेयर आपके लिए चीज़ इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से बात करते हैं तो विश्वास जडेजा का ऑप्शन है, दोनों मैच से उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, इनको आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा पार्थ चौहान ने बहुत शानदार बॉलर कराई, यहाँ पर आप देख सकते सेकंड मैच तीन विकेट निकाले, पहले मैच में एक विकेट निकाला था, बैटिंग आते बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बात करें तो इनको फ्रेंड्स देखिए नीचे खेलने के लिए लाया गया था, इस चीज को आपने ध्यान में रखना, पहले मैच उनको इतने डाउन पर खिलाया गया लगभग यहाँ से पांच नंबर पे, बाकी सेकंड मैच उनको नीचे खेलने के लिए लाया गया था, तो और फ्रेंड्स यहाँ से इनको फ्रेंड्स जडेजा को ऊपर लाया गया था, यहाँ सेकंड मैच में जडेजा को यहाँ से वासवाड़ा को नीचे लाया गया, तो यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में काफी छेड़छाड़ हुआ, इस चीज को आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी देखिए हरास आगत है, इनका फ्रेंड्स यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं, क्योंकि बॉल यहाँ पर करा नहीं रही, यहाँ पर देखिए मात्र बैटिंग के हिसाब से इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं, 22 रन उन्होंने सेकंड मैच में लगाए हैं। इसके अलावा बात करें तो देखिए कल्पेश शर्मा ने दो विकेट सेकंड मैच में निकाले, पहले मैच में यहाँ से नंदा ने विकेट लिए थे, यहाँ से देव ने फ्रेंड्स दोनों मैचेस में विकेट्स वगैरह नहीं ले पाए, और यहाँ से विवेक आगरनंद सेकंड मैच में दो विकेट निकाले। तो ये तो रहा फ्रेंड्स इनका परफॉर्मेंस, यहाँ पे आप हलार हीरोज का परफॉर्मेंस यहाँ पे देख लीजिए एक बार फ्रेंड्स, यहाँ से आप जलाबाद का परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो दोनों टीमों का उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको प्लेयर पिक करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। आप देखिए टॉप ऑर्डर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने किसको ट्राई करना, देखिए आपके पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल, दो प्लेयर को आप यहाँ से बिल्कुल ट्राई करेगा। इसके साथ साथ देखिए चौहान ने अच्छे खासे विकेट्स वगैरह निकाले हैं, और आप यहाँ से कुंडाल, ये दो प्लेयर आपके अच्छे चॉइस
हो जाएंगे, तो इनको आप ट्राई कर लीजिएगा। आप फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास चार ऑप्शन बचते हैं जिनको आपने ट्राई करना। देखिए ये ग्रैंडली के लिए पिक करेंगे, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। बाकी इनमें से आप फ्रेंड्स किसी दो को ट्राई कर लीजिए, आप चाहो तो इन दोनों के साथ जा सकते हो या इन दोनों के साथ जा सकते हो, या इन दोनों के साथ जाएगा या इन दोनों के साथ जाएगा। तो यहाँ से आपने प्लेयर ट्राई कर लेना, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेंगे, इनको आपने मर्जी यहाँ पर ट्राई जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड देखिए टाइम ज़्यादा ना लगे, साइड पर सीधा ना जाते हुए मैं यही आपको बता दे रहा हूँ, माई टीम लाइन पर खेलिए, आपका यहाँ से प्रॉफिट होगा भाई। 100 रुपये आपको खेलने के लिए फ्री में मिल जाएंगे, जिसका आप यहाँ से 100% यूज कर सकते हैं। बस साइन अप कर दे फ्रेंड्स, आपने अपना यहाँ से पैन कार्ड वेरीफाई कर लेना है। उसके अलावा देखिए यहाँ से दो टाइप से खेल सकते हैं आप, खेलिए रेगुलर तो आप वहाँ पर 1 घंटे पहले अपनी टीम को सबमिट कर दीजिएगा, और आप सेफ खेलते हैं तो 22 प्लेयर आपको दिखा दीजिएगा। टॉस होने के बाद में आप उनको देख के अपने खिलाड़ी यहाँ से चुन सकते हैं और अपने फ्रेंड्स यहाँ से विनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। लास्ट तक खेलेगा यहाँ पे, बिल्कुल लास्ट तक अपनी टीम को एडिट कर सकते हैं आप। बिल्कुल यहाँ पे 100 रुपये का 100% यूज होगा भाई, खेलना चालू नहीं करेंगे। माई टीम 11 में आप खेलेगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से साइन अप करिए। आप बिल्कुल यहाँ से खेल के फ्रेंड्स अच्छी अमाउंट विन कर सकते हैं, इस चीज़ को आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, आपने फ्रेंड्स लीग एक्स में नहीं खेला, देखिए 2500 रुपये जैसे साइन अप करेंगे मिल जाएगा, 200 रुपये तक कैश बोनस लीग एक्स तरफ से मिलता है। 100% कैश बोनस यूज होता है दोनों विकेट कीपर को, आप लीग एक्स पर ट्राई कर सकते हो। 4 ऑलराउंडर, 7 बैट्समैन, 7 बॉलर्स, सबसे अलग टीम बनाने का मौका लीग एक्स देता है। यहाँ पर अच्छी खासी लीग खुलते हैं, बहुत कम कॉम्पिटिशन है, लीग वगैरह भी यहाँ पे फुल नहीं होती। 100% कैश बोनस यूज होता है, यहाँ पे खेलेगा आपके यहाँ पे 100% विनिंग होगी। और सबसे अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी आप विड्रॉ करेंगे ना, 2 सेकंड के अंदर पैसा फ्रेंड्स आपके बैंक में दे दिया जाता है, बहुत फास्ट सिस्टम का विड्रॉ सिस्टम है। आप खेलेगा साथ साथ, देखिए फ्रेंड्स यदि आपने हाला प्ले पे खेला चालू नहीं किया तो फ्रेंड्स आप हाला प्ले पे भी खेलिएगा, क्योंकि देखिए खेलने के लिए 50 रुपये फ्री में मिल जाएगा। और हाला प्ले पे आप छोटी लीग खेलें या बड़ी लीग खेलें, यहाँ पे जितना आसान इसलिए होगा 50 रुपये का 100% यूज़ कर पा देंगे। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 की आपको एकदम फ्री लीग खेलने के लिए रोज मिलने वाली, तो आप 10,000 रुपये की फ्री लीग खेल के भी अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपने मात्र अपना एक ही कैप्टन डिसाइड करना रहता है, आपका वाइस कैप्टन का फटा रहता नहीं, आपका एक प्लेयर है परफॉर्मेंस करेगा, तो समझ सकते हैं आप छोटी लीग खेले बड़े लीग खेले आप यहाँ से इजीली अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। अब तीनों साइटों का लिंक और रेफर कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, आपने खेला बिल्कुल आप साइन अप करके यहाँ से खेल सकते हो। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बात करें बैटिंग ऑर्डर की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देसाई का ऑप्शन है जो कि ओपनिंग खेलने के लिए आते हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैक्सन है, लास्ट मैच 50 स्कोर किया है और इनको ओपनिंग लाया गया था। वैसे भी ये टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, 3-4 नंबर पर खेलेंगे अगर फ्रेंड्स इनको ओपनिंग नहीं लाया जाता है। तो फ्रेंड फ्रेंड्स आपसे देखिए पॉइंट मैनेज करने के लिए दोनों प्लेयर आपने एक से पॉइंट में दिए, तो किसी को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बाकी नीचे खेलने वाले प्लेयरों के चांसेस यहाँ पे है नहीं, जैक्सन में आपके लिए फ्रेंड्स प्रेफर करूंगा छोटी लीग में। बाकी देसाई ओपनिंग आएंगे, इनको आप ट्राई करना, तो ग्रैंड लीग में इनको आप ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं बैट्समैन, फिर देखिए बात करें बैटिंग की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा बहुत शानदार ऑप्शन, इनको आप ट्राई जरूर करेगा। हालांकि दोनों मैचेस में अच्छा फॉर्म नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगा, इनको आप ट्राई करेगा। बहुत बड़े प्लेयर हैं, ओपनिंग करने के लिए आते हैं, इनके पास पूरा चांसेस होता है हाई स्कोर करने का। इसके अलावा देखिए वासवाड़ा 3 नंबर पर खेले के लिए आए थे, लास्ट मैच 4 नंबर पर खेले के लिए आए थे, जड़े जागो ऊपर लाया था, इस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान में रखें। तो दोनों आपके लिए अच्छी चॉइस है, इनको आप ट्राई कर सकते हो, विकेट्स भी अच्छे खासे निकाल देते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस है, टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। इसके अलावा बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए व्यास, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात करें तो 4 नंबर पर व्यास खेलने के लिए आएंगे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, 25-27 रन उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा देखिए 3 नंबर पर कोठारिया, कोठारिया फ्रेंड्स ओपनिंग करेंगे यहाँ से, ट्राई कर लेना, अच्छे प्लेयर हैं और दोनों मैचेस में अच्छा स्कोर किया है, 70+ स्कोर भी किया है इन्होंने, जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आप उनको ट्राई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जय छाया बहुत नीचे खेलने के लिए आते हैं, टोडिया को मौका नहीं मिला था पहले मैच के अलावा। और बात करें फ्रेंड्स यहाँ से आहंगा की, तो फ्रेंड्स इनका भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं, लेकिन आपने ट्राई करना तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इनकी देखिए बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो फ्रेंड्स जो छाया का है फ्रेंड्स यहाँ पे जय छाया लगभग फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 7 नंबर पर खेलने के लिए आएंगे। ये टोडिया फ्रेंड्स यहाँ से ओपनिंग आए थे, लेकिन सेकंड मैच में इनको मौका मिला नहीं। चला फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एच अंगा है, बहुत नीचे खेलने के लिए आए थे फ्रेंड्स, लगभग 7 नंबर पर आते हैं, बैटिंग ठीक ठाक कर लेते लेकिन बहुत नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर है, अपने ट्राई करने को ट्राई कर लेना। बाकी त्रिवेदी है, 3 नंबर पर इनको लाया गया था पहले मैच में, बहुत नीचे खेले गया था, लगभग 6-7 नंबर पर फिर से इनको ऊपर लाया जा सकता है, ट्राई करने लायक प्लेयर रहेगा। ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी किसी प्लेयर के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है नहीं खेलने के लिए। इसके अलावा देखिए ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो पर चौहान आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं, इनको आप ट्राई करेगा। 5 नंबर पे आएंगे, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी खासी करा रहे हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं। इसके अलावा 6 नंबर पे आएंगे यहाँ से करमचंद्र नेत्र, इनको आप ट्राई कर सकते हो, ये भी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करा लेते हैं, दोनों को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मनकद की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी आपको 5 नंबर पर खेलते हुए नजर आ जाएंगे और बैटिंग के साथ साथ अच्छे विकेट्स निकाल रहे हैं, दोनों मैच विकेट्स लिए हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। 3 ऑलराउंडर के साथ आप, लेकिन देखिए चौटाला को लास्ट मैच खेला गया था, 13 रन का स्कोर उन्होंने किया है,
नंबर पर खेले के लिए आएंगे, लेकिन बैटिंग किया है लेकिन बॉलिंग इनको नहीं कराई गई थी। तो फ्रेंड्स जो ऑलराउंडर आपने ट्राई करना, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप इन्हीं के साथ जाएगा, ये आपके लिए तीन ऑप्शन बेहतरीन रहने वाले हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो। फिर देखिए बॉलिंग की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप यहाँ पे करामता को ले सकते हो अपनी टीम में, टिंडा यहाँ पर इसके ऑप्शन है, परफॉर्मेंस इनका रहा नहीं। बाकी आप यहाँ से के शर्मा को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए बात करें तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन में काफ़ी है, जैसे यहाँ पे जय चौहान का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो इनसे दूर ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ से कगुसिया को ट्राई कर सकते, लास्ट से विकेट निकाले भी आगा ने भी विकेट से निकाले, लास्ट चेन को आप ट्राई कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा होगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से नंदा को आप भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सुनील यादव को मैंने ट्राई किया है। इसके अलावा आप यहाँ से जो भी प्लेयर आपने लगता है आप उनको अपनी मर्जी से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन रहेगा, बाकी आपने और किसी प्लेयर को ट्राई करना बिल्कुल भाई अपनी मर्जी से यहाँ पर प्लेयर ट्राई करेगा। अगर आम तक यहाँ से रिमूव कर गए आप चाहो तो फ्रेंड्स यहाँ से आनंदा या फ्रेंड्स यहाँ से वियागा के साथ जा सकते हैं, यह आपके कॉम्बिनेशन रह सकते हैं आपकी ड्रीम के। बाकी देखिए 9.5 क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बैट्समैन सेक्शन में चेतेश पुजारा का 11 क्रेडिट है और अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे दो मैच से, हालांकि इस मैच में हाई चांसेस अच्छा परफॉर्मेंस दे, स्मॉलिंग में आप इनको बिल्कुल ट्राई करेगा ओपनिंग प्लेयर है और क्रेडिट मेंटेन करने के चक्कर में दिखे आप किसी एक प्लेयर को रिमूव करेगा, 11 क्रेडिट इनका दिया हुआ है आप देख सकते हैं, आपको फ्रेंड्स यहाँ से 1.5 क्रेडिट चाहिए तब जाके आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने इनको ट्राई नहीं किया, थोड़ा सा रिस्क जरूर रहेगा, बाकी अपने लेंथ तो अपनी मर्जी इनको ट्राई कर सकते हो। देखिए मैंने जो ऑलराउंडर अच्छे प्लेयर ट्राई किए हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल। इसके अलावा देखिए यहाँ से आपने करामत को ट्राई करना, इनको आप ट्राई कर लीजिएगा। एक प्लेयर आपके पास रहेगा फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका ऑप्शन रहेगा, चौथा प्लेयर रहेगा आपका बॉलर्स में, या तो आपको सूर्य को ट्राई कर सकते, ये भी लगभग आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए पहला मैच खेला था परफॉर्मेंस दिया फिर उनको खिलाएगा, सेकंड मैच अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है इस मैच में आपको खेलते हुए मिल जाए। बाकी लगभग फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब आपको फ्रेंड्स यहाँ से प्लेइंग 11 पता चल जाए, नहीं तो फ्रेंड्स लेस इन्वेस्टमेंट रखना, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। जय चौहान को परफॉर्मेंस अब तक रहा नहीं तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन से आप टीम फ्रेंड्स यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपने जो चेंजेस करना अपनी मर्जी से भाई यहाँ पर चेंजेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा मैंने उन्हीं को ट्राई किया, आपने आपसे कोई चेंजेस करना अपनी मर्जी से चेंजेस कर लीजिएगा। क्रेडिट इन दोनों में से आप किसी को एक को अपनी टीम से रिमूव करके, जैसे फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप जाडेजा को अपनी टीम से रिमूव करना चाहें बिल्कुल अपनी टीम से जाडेजा को रिमूव करके आपके पास देखिए क्रेडिट का इशू नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इनको छोड़ना है और यहाँ पे आप जैसे पुजारा को ट्राई कर सके, 8.5 क्रेडिट आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो 8.5 क्रेडिट में आप यहाँ के फ्रेंड्स यहाँ पे चौहान या फ्रेंड्स यहाँ को सूर्या को ट्राई कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी आपका रहेगा, आप यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन भी जा सकते हैं, मेरे हिसाब से ये बेहतरीन है। चलिए इसी कॉम्बिनेशन को यहाँ पर रख लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ से जैक्सन का ऑप्शन है, पुजारा बहुत शानदार ऑप्शन है लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ध्यान में रखना चीज़ को। बाकी देखिए वसवाड़ा और फ्रेंड्स यहाँ से कठोरिया, ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है, स्मॉल लीग में आप इनके साथ जा सकते हैं, पर चौहान का अच्छा ऑप्शन है, इनको ट्राई करेगा और इनको ट्राई करेगा, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं छोटी लीग में। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यही चार प्लेयर बेहतरीन रहने वाले हैं, बाकी ग्रैंड लीग में ट्राई करना तो जैक्सन के साथ साथ वाइस कैप्टन जा सकते हैं या आप कैप्टन बना सकते हैं या पुजारा को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उनको आप ट्राई करेगा, वो भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पे आगे आने वाले बच्चे जो वीडियोस रहेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। नोटिफिकेशन में तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।